चलो बात करो, मेरी बात करो। अरे मैं किसी को बात नहीं कर रहा हूँ। 50 रुपये दे रहा मुझे 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 तो उससे ले लेता इतने पैसे। तो मैंने कहा तो पैसे उससे ले जा, तो पैसे ऐसे पड़े रहते हैं और ये गलत बात है। अगर देख अगर हिम्मत वाली बात हो गई ना तो रुक मैं रुकूंगा। जाओ दुनिया की ताकत पूरी यूपी जाओ दुनिया में जाओ वर्ल्ड में मुझसे नहीं जीत पाओगे। जाओ बुलाओ से ये मैं चाह रहा हूँ। अरे यार रोक क्यों रखा है, हमने आर्मी चीफ के यहाँ जाना है। अरे चल हम तो पुलिस गए हैं, आर्मी हमारे सामने क्या बेइज्जती है। हम तो साला पब्लिक की सेवा करते हैं, लोकल करते हैं, आप तो बॉर्डर में काम करते हो। आप हमें परेशान कर रहे हो जबरदस्ती। क्यों क्यों गाड़ी रोक ली? खाना बनाना है, हमने जा करके खाना देना है उनको। आई आर बाटा में चीफ ऑफिस जो है। मैं तो सो रहा था, मेरे को नींद आई थी। कुत्ते ने कहा मुंगड़ साला वहाँ भाग गया। तुमने जबरदस्ती रोक रखा है। मैं गाड़ी कहाँ पर है? गाड़ी पीछे खड़ी है। तो मैं पैसे नहीं दूंगा, एक हम 200 रुपये रख जाओ उसके लिए। वो अच्छा खासे 100 रुपये दे रहा था तुम्हें। 50 दे रहा हूँ। 100 का दे रहा था। 100 का है, 100 का है उसके हाथ में। 200 200 तो नहीं, 100 का दे रहा है वो यार। 200 दे दो ना। बिल्कुल नहीं, 150 कर दो फिर ना। आर्मी से बात करो ना। मेरी बेटी दरबजी है, कभी मेरी एक लड़की शादी होने ना। अब ऐसे तो नहीं परेशान करके, तुम परेशान कर रहे हो। इतने आधा घंटा मुझे हो गया यहाँ पे झक मारते हुए। लेना एक ना देना दो तो वो बेचारा परिचित है, इसीलिए तो वो बेचारा नीचे को निकल गया। वो तो हमारे मोहल्ले का रहने वाला है। मैं तो गलती से आ गया, चलो मैं सो कर रहा हूँ। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अंदर आओ ना। मैं अंदर क्यों आऊँ? अब नहीं आ रहा मैं अंदर। मैं हाथ से रुपये से लेता नहीं पड़ेगा। अरे अरबों खरबों वाला तो कभी इस तरीके की बातें ही नहीं करता है। 150 रुपये के लिए या दूसरे को परेशान करने के लिए आदमी को परेशान कर रहे हो जबरदस्ती। अब यार आगे प्रॉब्लम हमारे होती है। चल डाल दो उसके, मैं हाथ में लगाऊंगा पैसे उसको। तुम घर निकलो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम दीपक कुमार है, जो मल्लीताल कोतवाली में नियुक्त है, उसके द्वारा पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस वीडियो की जांच करने के उपरांत तत्काल रूप से श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय नैनीताल द्वारा उक्त कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले की जांच जो है वो मुख्य क्षेत्र अधिकारी नैनीताल को दे दी गई है।